हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस अतुल कृष्ण दास प्रभु जी, जो इस्कॉन ग्रेटर नोएडा के टेंपल प्रेसिडेंट हैं, उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उसके पश्चात इस ग्रेस मुकुंद चैतन्य दास प्रभु जी, जो रमणा मंदिर के टेंपल प्रेसिडेंट हैं और वहां के समस्त भक्तों के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उसके बाद इस ग्रेस सांबा दास प्रभु जी एवं हर ग्रेस निताई शिवनी माता जी, जो यहाँ के विशाखापट्टनम के मंदिर के कर्णधार हैं, उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उसके पश्चात जो हमारा भक्ति वृक्ष है, उसके संचालक हिज ग्रेस राम रतन दास प्रभु जी एवं हर ग्रेस माधव मोहिनी माता जी के चरण कमलों में भी मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और उनसे विनती है कि आज की जो मुझे सेवा दी है दीपक बेहरा प्रभु जी ने, उसको मैं ठीक से कर पाऊं, और यदि कोई गलती हो जाए उसमें उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो आज मैं यही कहना चाहूंगा कि हमको समझना चाहिए सबसे पहले कि सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। शास्त्रों के अनुसार वो हमारे पास में है, ये सबसे बड़ी धरोहर है। इसका महत्व हमें समझना चाहिए। ये मानवता का सबसे बड़ा मानवता की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है उसको नहीं जानते, क्या इसकी यूटिलिटी इसको नहीं जानते। ये बड़े दुख की बात है, पूरा अज्ञान है। तो ये मनुष्य जीवन जो है ये बहुत स्पेशल है। नरदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्व तीर्थम उमान भवाब्धिम न तरेत से आत्महा। क्योंकि जो व्यक्ति इसको नहीं जानता, मनुष्य होकर के भी वो आत्महा है। कल दामोदर लीला प्रभु जी बता रहे थे कि जो व्यक्ति मनुष्य होकर के हरि नाम का जप करता है वो क्रिएशन में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है। वो जो है सभी का फायदा कर सकता है। इतनी भी इस क्रिएशन में हरि नाम बोलने से सबका फायदा होता है। तो ये मनुष्य जीवन है किस लिए है? ईश्वर प्राप्ति के लिए है। वेदों में कहा गया है, प्रश्न संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वाक्य का है। कि हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रश्न संबंध को हम भूल गए हैं, उसके कारण हम भटक गए हैं और नाना चीजों में हम अपना उद्धार करने का कोशिश करते हैं लेकिन कुछ अर्थ नहीं मिलता। कृष्ण संबंध, भगवान कृष्ण से संबंध बनाना, वो हमारे साध्य हैं। कैसे होगा? भक्ति अभिधेय है, भक्ति के द्वारा, प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा, प्रमाणिक संस्था में करेंगे तो होगा। और प्रयोजन क्या है? प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वाक्य क्या है। और प्रेम के द्वारा जो भगवान जो है, सारी क्रिएशन जो है भौतिक है आध्यात्मिक है, जिसके क्रिएटर मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर बराबर पूरे वही है ना, तो उनको भी बस में किया जा सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया था दामोदर लीला में, प्रेम के द्वारा ही भगवान बस में होते हैं भक्त के। तो बस में करना तो हमारा उद्देश्य नहीं है लेकिन उनका प्रेम प्राप्त करना हमारा उद्देश्य डेफिनेटली है, तो हमें उनका प्रेम प्राप्त करना चाहिए। तो ये मानव जीवन की उपयोगिता है। और ये जो है इसके लिए मनुष्य जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं और वो चाहते हैं कि उनको मनुष्य जन्म मिले और वो इस भक्ति कर सकें। तो हम भक्ति कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। तो कृष्ण संबंध भक्ति अवधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वाक्य गए। अब भक्ति कैसे किया जाए, वो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। वो इसके
उन्होंने बताया कि इस कलयुग में ऐसी बुरी स्थिति है जीव की, बहुत बुरी स्थिति, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? फिर भी समाधान है, हर जगह एवरीवेयर देयर इज ए वे आउट, लेकिन सही तरीका होना चाहिए। कलयुग है, कलयुग का धर्म है भगवान का नाम का संकीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, ये कलयुग का धर्म है। उन्होंने बताया हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस कलयुग में सभी लोग जो हैं भव रोग से ग्रस्त हैं और उनको पता भी नहीं है उनको भव रोग है, ये बड़ी विडंबना है। अब उनको ये कैसे पता चले, क्यों पता नहीं है, किसकी गलती है इसमें? मैंने इसके बारे में एनालाइज किया था, मैं तो गलती मानता हूं, हमारी गलती है भक्त लोगों की, ये भक्त लोगों का काम है कि हम इस भक्ति का प्रचार प्रसार करें और उन लोगों तक इसको पहुंचाएं, तो उनको स्वीकृति मिलेगा, बिना स्वीकृति के भक्ति मिलता नहीं है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्पुन बतम राजन विश्वासे न जायते, उनको विश्वास नहीं होता, तो इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। कैसे कर पाएंगे प्रचार प्रसार? हमारा जितना स्ट्रांग साधना होगा उतना ही स्ट्रांग हमारा सेवा होगा, सेवा करना, अधिक से अधिक भक्त बनाना, उनको भक्ति मार्ग मिलाना, यह हमारा कर्म है भक्तों का, यह हमारा मुख्य कार्य है। लेकिन हम जब कर पाएंगे, जब हम शक्तिशाली होंगे, एक जो तीर ये धनुष बाण होता है तो उसमें जो धनुष जितना स्ट्रांग होगा गांडीव जैसा, तीर उतना ही दूर जाएगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग मार करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया में इतना प्रवचन होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका, लेकिन प्रभुपाद जब उनके पास कोई आता था तो सर मुड़ा करके निकलता था, क्योंकि उनका धनुष बड़ा शक्तिशाली था, तीर भी उतना शक्तिशाली था। तो हमारा धनुष शक्तिशाली हो, तीर शक्तिशाली हो, हमारे वचन शक्तिशाली हो, हमारे मुख से जो शब्द निकले उनका प्रभाव हो, पेनिट्रेशन हो, तो उसके लिए हमारी साधना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए यही बताया गया है शास्त्रों में कि इसको सबसे ज्यादा वरीयता दिया जाना चाहिए, भगवान के नाम के कीर्तन को, भगवान के नाम के जप को। तो इसलिए हम पता है कि जब इम्पोर्टेंट हम जान गए हैं इसमें, हम इस्कॉन में आकर के, तो हमारा सर्वप्रथम कार्य किए सुबह को जल्दी से जल्दी उठना और उठ करके स्नान आदि करके और हमको भगवान का नाम जपना चाहिए, तो हमारा व्रत होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जीवन में बहुत कार्य हैं, लेकिन हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसको देना है? टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है भगवान के नाम को, जप को, क्योंकि उसमें आपको किसी का आवश्यकता नहीं है, अकेले आप कर सकते हैं इसको। तो सुबह सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके हमको जप करना चाहिए, जो हम करते हैं, लेकिन हमारा प्रण होना चाहिए कि हम जप करे बिना हम अपना कोई कार्य और नहीं करेंगे। 16 माला तो कम से कम 16 माला करके दिन में जितना भी माला हो उतना करना चाहिए, 20 हो जाए 30 हो जाए 40 हो जाए 50 हो जाए 100 हो जाए, जितना मैक्सिमम उतना करना चाहिए। ये नहीं कि 16 माला हो गया बस खत्म हो गया, नहीं, सबसे पहले 16 माला करना सुबह उठ करके, और उसके बाद में ही और कोई कार्य करना, और उसमें भी जो समय मिलता है जितना ज्यादा मिलता है उसको भी इसी में लगाना। यानी हमारे जीवन का मुख्य कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, और भगवान की भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नाम का जप और भगवान के नाम का कीर्तन। जप जो है हम अकेले में कर सकते हैं, अपने लिए है बेसिकली, लेकिन भगवान का भक्त पर दुखे दुखी वो अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है, वो लीडर है, तो वो दूसरों में प्रचार प्रसार करता है, जैसा भी उसका है, प्रवचन के द्वारा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, नगर संकीर्तन के द्वारा, जैसे भी हो सके उसको इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और ज्यादा अभी 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने और बोलना चाहता बस हरे कृष्णा, यदि कोई त्रुटि हो गया तो माफ कर देना।